ये देखिए आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने डायपर का प्रिंट किया हुआ है, ये जम्बो पैक हो गया, जम्बो पैक ठीक है, और ये जैसे 40 पीस का हो गया, ये 72 पीस का हो गया सिंगल कलर में। हाँ जी, कम सिलेंडर बना के कम इन्वेस्टमेंट में हम ये कर देते हैं जी, ये मल्टी कलर नहीं है, कुछ कम है, जैसे ये जम्बो पैक, ये फैमिली पैक हो गया सैनिटरी पैड का, ये ट्राई फोल्ड का हो गया, हाँ जी, ये बेबी डायपर का हो गया, देखिए दो कलर में 5 पीस की पैकिंग बना दी हमने। हाँ जी ठीक है ना जी, ये इस तरह से है, ये सारे पार्टियों के सैंपल से ब्रांड जो अपना बना रहा है। हाँ जी, जो सैंपल मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग कस्टमर के हमने पाउच प्रिंट कर रखे हैं, जैसे कि अलग अलग साइज के अलग अलग जो मेरे कस्टमर्स हैं, हम उनके कुछ सैंपल्स रख लेते हैं ताकि उनका कोई रिपीट ऑर्डर आए तो परेशानी ना हो। ये जो सारे सैंपल कलेक्ट करके रखे हुए, ये देखिए आप, ये सब साइजों के हैं अलग अलग कस्टमर्स के हमारे। Gray matter like some batter in your brain. That's what I say. Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad. देखिए अब हमारे डायपर की पोज बनाई हमने तैयार की है जी, जैसे ये डायपर की पोज हमने लड़ी के हिसाब से बना दी। ठीक है सर, ये क्या है ना, लोअर को जो लड़ी जो बनाते हैं उनके उनको स्पेशल मशीन लेनी पड़ती है जो 2.5-3 लाख रुपए की आती है। ठीक है, जो हम उनको, लेकिन हम उनको ना लड़ी के फॉर्म में ही पाउच दे देते हैं। हाँ, तो वो मटेरियल यहाँ से, जैसे डायपर है यहाँ से डाल दिया, सिंगल पीस डबल पीस, हाँ, इसमें डाल दिया, सब में डाल दिया, और बैंड सीलर जो मार्केट में मिलता है बैंड सीलर, हाँ जी, उनसे उससे साइज से सिलाई कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज के एक और नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि मैंने जब एक वीडियो बनाई थी सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरर की, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, युवा बिजनेस आइडियाज पे आपको ये मिल जाएगी, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। भोपाल के अंदर एक फैक्ट्री है जो ये सैनिटरी पैड बनाते हैं। अच्छा, वो वीडियो देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, फोन कॉल भी मेरे को काफी मैंने रिसीव की है कि मुकेश भाई सैनिटरी पैड तो पता चल गया कि कहां से खरीदना है, अब इसकी पैकेजिंग के बारे में बताइए। तो इसकी जो पैकेजिंग है, जो पाउच है, जैसे अभी आप मेरे सामने ये पाउच देख रहे हैं, ये पाउच अगर आप अपना बनवाना चाहते हैं, अपनी ब्रांड के नाम से बनवाना चाहते हैं, तो ये एक फैक्ट्री में मैं आपको लेकर आया हूँ, जहाँ पे ये पूरा जो प्रिंटिंग का काम है उनका, खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब खुद का जो प्रिंटिंग यूनिट है उनका, और इस यूनिट में पूरा मतलब 24 घंटे जो प्रोडक्शन चलता है वो सैनिटरी पैड प्रिंटिंग का प्रोडक्शन चलता है। तो अब मैं तो इस बिजनेस में ज्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, जो यहाँ पे ओनर है इस जो कंपनी के, जो ओनर रहेंगे मिस्टर नरेश बंसल जी, मैं उनसे मिलवाऊंगा और का मतलब साथ में आपको दिखाऊंगा भी कि उनकी फैक्ट्री में उनकी जो यूनिट है उसमें कैसे पैकेजिंग पाउच तैयार होते हैं और क्या क्या पैकेजिंग पाउच यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो तो कितनी लागत आपको लगानी पड़ेगी, और इसके अलावा कितना किलो माल आपने लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके माइंड में चल रहे होंगे, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो वो सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लेता, मिलवाता हूं बंसल जी से, और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि एक फैक्ट्री टूर भी मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपको एक आइडिया लग सके कि क्या क्या पैकेजिंग, क्या क्या अलग साइज में पैकेजिंग वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आइए मुकेश जी, मैं दिखाता हूँ आपको हमारी प्रिंटिंग कैसे होती है। चलिए सर, जैसे ये रोटोग्रेवर प्रिंटिंग, हम रोटोग्रेवर में प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है सर जी, जैसे प्लेन रोल ये आ गया, व्हाइट कलर का हमारा रोल होता है। ठीक है, साइज के हिसाब से हम रोल बना लेते हैं कौन सा साइज प्रिंट करना है। ठीक है सर जी, और उसके बाद जैसे जितने कलर होते हैं, ये सिलेंडर है हमारा। हाँ जी हाँ जी, तो सिलेंडर में इसमें डिजाइन इंग्रेव हो जाता है जी। हाँ, जैसे कौन सा कलर चलाना है वो कलर इसमें लगाकर, हाँ, जैसे ये आ गया पहला कलर, ये हो गया। हाँ जी, दूसरा कलर जैसे पार्टी ने जो भी कलर हम चाहे वो डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, डिजाइन के हिसाब से। हाँ, दो कलर ये हो गया। हाँ, तीसरा कलर हम उसमें वो इसमें आ गया। ठीक है, जैसे ये कलर हो गया, हमारी 3 कलर की प्रिंटिंग हो गई। अच्छा सर, तो इसका फाइनल जो प्रिंटिंग है हमारी, हाँ जी, ये यहाँ आ जाती है जैसे। ठीक है, ये मतलब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर यहाँ पे रोल होने लगा। रोल ये आ गया, जैसे लवली स्काई वाले ने हमारे से ये बनवाया। ठीक है सर, डिजाइन देकर। हाँ, और जैसे 3 कलर का, तो हमारा 3 सिलेंडर बन गया। हाँ जी, तो ये प्रिंटिंग होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी इसके बाद सर मैं देख रहा हूँ इसपे ये बड़ा डिजाइन है, इसकी कटिंग होगी अभी आगे। हाँ, ये फोल्ड होके कटिंग होगा। हाँ, तो ये हमें कटिंग मशीन में लेके जाना पड़ेगा कटिंग करने के लिए। एक बार कटिंग प्रोसेस और दिखा दीजिए सर। कटिंग में आपको ले चलता हूँ मुकेश जी। जो हमारी प्रिंटिंग मशीन में जो रोल प्रिंट हो रहा था, ये हमारी कटिंग मशीन है जी, कटिंग प्रोसेस के लिए तैयार है। ये हमारी कटिंग मशीन है जी। हाँ जी,
तो ये देखिए फोल्ड होकर आ जाता है, साइज के हिसाब से कटिंग हो जाता है, जो हम साइज बनाते हैं सिलेंडर में उसी साइज में ये कटता है। ठीक है सर, इसका मशीन का कितना कैपेसिटी होगा सर, ये कितना मतलब पाउच कटिंग कर देता है घंटे में? ये घंटे में कर देता है 10-1000 पाउच घंटे में कर देता है। अच्छा, मतलब फास्ट प्रोडक्शन है? फास्ट प्रोडक्शन है ये, बढ़िया है, 8-10 हज़ार पाउच कर देता है। ठीक है सर। बंसल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा बिजनेस आइडियाज में। सर जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कंपनी के बारे में। मुकेश जी मेरा नाम नरेश बंसल है जी, जो हमारी कंपनी प्रिंटिंग लाइन में पिछले 20 से 25 साल से है। ठीक है सर। तो हमारा जो पैकेजिंग में हम ये जैसे आपकी चाय पत्ती हो गया, नमकीन हो गया, पैकेजिंग में मोटा मोटी हम सारा कर देते हैं। ठीक है सर। आप इस आज जो यूनिट में आए हो इसमें हम मेरा सैनिटरी पैड का ज्यादा काम है, सैनिटरी पैड का पाउच का ठीक है ज्यादा काम है। ओके। मेरा जो यूनिट है ये मेन स्टार्टअप के लिए जो शुरुआत करना चाहता है सैनिटरी पैड का काम जी, जो पैड तो कहीं से भी ले लिया लेकिन उसको पैकेजिंग नहीं मिल रहा है जी, तो उनके लिए हमने शुरू किया हुआ ये काम। ठीक है। काम अच्छा है ये सैनिटरी पैड का जी, अगर उनके दिमाग में है जैसे काम करना है सैनिटरी पैड का जी और पैकेजिंग भी बनाने हैं, तो एक बार वो मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे ऑफिस में आए तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि वो कैसे अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। कम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है सर। मिनिमम जो पाउच पैकेजिंग जो मतलब किसी को चाहिए आपके साथ, कितना मिनिमम अमाउंट वो ले सकता है? देखिए सर इसमें ना उस डिजाइन के ऊपर, एक तो डिजाइन के ऊपर वेरी करता है। हाँ। देखिए पार्टी ने किसी ने शुरू करना है, जैसे मेरे कम इन्वेस्टमेंट में मैं काम कर लूं जी, तो अगर वो सिंगल कलर डबल कलर तक करे तो जैसे 100-125 किलो तो हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है सर। तो मिनिमम मतलब 100-125 किलो से वो स्टार्ट करवा सकता है, काम शुरू हो जाता है। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल ये भी है कि अगर 100-125 किलो भी नहीं चाहिए किसी को जी, जेनरिक पाउच चाहिए? जेनरिक पाउच जैसे मुकेश जी आपने ठीक वो किया, कई के पास नहीं होता। हाँ जी। काम करने के लिए शुरुआत ही करना है जी, तो उनके लिए हमने ये बना रखे 2-3 कलर में, जैसे सैनिटरी पैड लिखा हमने इसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वो कर सकते हैं इसमें, जैसे हमने 240 कर दिया, 280 कर दिया। हाँ। तो दोनों आइटम ये इसमें डाल सकते हैं और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कोई भी यूज कर सकता है क्योंकि इसमें कोई ब्रांड तो है नहीं। हाँ। तो इसमें कोई भी यूज कर सकता है, वो अपना इस जगह में अपना स्टिकर लगा सकता है एड्रेस का अगर चाहे तो। हाँ जी। तो इसमें यहाँ स्टैंप लग जाएगा रेट वगैरह का। हाँ। कितने पीस ये डाल रहे हैं, नंबर ऑफ पैड्स पैक्ड ऑन, ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये सर फिर इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है? मुकेश जी हम दे रहे हैं 1 रुपए का पर पीस, एक रुपए का सिंगल पीस रहेगा। और मिनिमम कितना ले सकते हैं? कस्टमर के ऊपर 1000 ले ले, 1500 रुपया ले ले, 1500 पीस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनका पहुंचने तक जो एक्स्ट्रा जो लगेगा कोरियर चार्जेस लगेगा। ठीक है, वो कस्टमर को देना। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, किसी को ब्रांड क्रिएट करना है, अपने ब्रांड से माल बेचना है, तो फिर वो क्या क्या पाउच आपसे ले सकता है वो थोड़ा सा समझाइए सर। तो अगर किसी ने अपने ब्रांड बनाना है। हाँ। देखिए सबसे पहले तो वो अपना डिजाइन बनाएगा जी, तो मुझे ये डिजाइन चाहिए, जैसे मेरे पास ये है मुकेश जी, ये देखो जैसे ये डिजाइन है जी सर, ये जैसे दो कलर में डिजाइन बना हुआ है पार्टी का। हाँ जी। ये किसी ने अपने ब्रांड से बना रखा है, दो कलर में है, जैसे ब्लू और येलो। ठीक है सर। जैसे इसके लिए एक तो सिलेंडर बनता है। हाँ जी। सिलेंडर जो बनेगा मुकेश जी, साइज के हिसाब से सिलेंडर का कॉस्टिंग आता है। ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज का सिलेंडर है ये। हाँ। ये 6000 रुपया पर कलर का सिलेंडर का कॉस्टिंग है जी। ठीक है सर। तो ये मिनिमम हम 100-125 किलो प्रिंट कर देते हैं पार्टी के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसमें सर मैं चाहता हूँ कि आपने बता दिया भाई 100-125 किलो, एक बार सारी डिजाइन थोड़ा जो आपने अलग अलग पार्टी के लिए बना रखी है, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार सारी पार्टी सारी डिजाइन आप दिखाओ मुझे। देखिए कुछ डिजाइन्स में आपको दिखा रहा हूँ जो हमने प्रिंट किया है पार्टियों के लिए। हाँ जी। ये सेफ श्योर के नाम से है सबका, सबने अपनी अपनी ब्रांड के नाम से, देखिए ये साइना के नाम से है और इन्होंने ये रेट वेट सब इस पे अपना डिजाइन करवा रखा है। और ये जम्बू पाउच हो गया जो 20 पीस की पैकिंग करते हैं जो। ठीक है, ठीक है। ये भी आप देखिए, ये माई पेट्स के नाम से कोई ब्रांड है कि, ये नेपीस प्लस के नाम से एक ब्रांड है, ये कोट्रेस्ट नाम से किसी ने अपना पाउच प्रिंट कराया हुआ है, और ये क्या है सर, वेला। वेला है जी, वेला। तो इस तरीके से बहुत सारे जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मुकेश जी ये देखो, ये है ट्राईफोल्ड के लिए। हाँ। जो छोटे पाउच छोटे होते हैं ट्राईफोल्ड सैनिटरी पैड। हाँ जी। इस साइज के। हाँ, छोटा जो पाउच उसके लिए है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये फिर एक जो 100 किलो जो माल प्रिंट होगा उसका जी, वो एक साइज का होगा ना 100 किलो, या मिक्स करके 100 किलो एक साइज का जी। ठीक है, जो भी एक साइज देना, एक साइज का 100 किलो कब ऑर्डर करना पड़ेगा? सिलेंडर सबके अलग अलग बनेंगे। हाँ। जैसे आप हमारे एक्स्ट्रा लार्ज का सिलेंडर अलग बना, छोटे वाले का भी सिलेंडर अलग ही बनेगा अपना। और ये सिलेंडर हर बार अलग अलग बनवाने पड़ेंगे? ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जी, सिलेंडर एक बार की इन्वेस्टमेंट, एक बार की। वो सिलेंडर आप संभाल कर रख लेते हो? हम संभाल कर रख लेते हैं। ऑल इंडिया कहीं पे भी डिलीवरी दे सकते हो सर? ऑल इंडिया कहीं पे भी डिलीवरी जाती है, पूरे इंडिया कहीं पे भी। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे 1000-1200 कस्टमर है, उसका अंदाजा आप ये सिलेंडर से भी लगा सकते हैं, जो इधर
सब पार्टियों के अलग अलग सिलेंडर रखे हुए हैं। जैसे ये या तो ये तो फैक्ट्री है, कुछ सिलेंडर हमने रखे हुए हैं जी। ऊपर मेरे दो गोडाउन ऊपर और भी है जहाँ पे सिलेंडर रखे हुए सब कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स की भी अच्छी रे भरमार है आपके पास में, और मुझे लगता है आपकी क्वालिटी की वजह से शायद ये होगा। क्वालिटी हो गया, टाइम से डिलीवरी दे हो गया सर, सही है सर, बढ़िया। जैसे हम प्रिंट करके ये पार्टी का जो डिस्पैच है हम इस बैग में डाल देते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा, ये सब माल रेडी टू डिस्पैच है। ओके, सारा तैयार माल है जो पार्टी को डिलीवर होगा। जो ये पाउच प्रिंट करते हैं इसके अलावा हमारे पास प्रीमियम पाउच भी है। जैसे ये है मैट फिनिश में जो पाउच बना देते हैं, जैसे ये ट्राईफोल्ड के लिए हो गया। हाँ जी। ये जम्बू पैकिंग के लिए होगा 20 पीस के लिए स्ट्रेट का। हाँ जी। ये देखिए इस तरह से ये मैट फिनिश वाले हैं। ये मैट फिनिश वाले थोड़ा एक्सपेंसिव होता है जी। ओके ठीक है, मतलब जिसको थोड़ा सा और प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तो वो भी आप करके दे सकते हो जी। इसका रेट में सर थोड़ा बहुत अंतर? हाँ, ये रेट थोड़ा महंगा पड़ता है जी, पीस के हिसाब से जाता है, थोड़ा सा क्वांटिटी है ये। ओके, और क्वांटिटी तो लेकिन सेम ही मिल जाएगी ना? इसकी क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी, ज्यादा लेनी पड़ेगी। मतलब कितना लगभग? जैसे ये मान के चलो आपको 50-60 हज़ार पीस, एक साइज में 50-60 हज़ार पीस हम प्रिंट करके दे देते हैं। किलो वाइज नहीं होता, ये पीस के हिसाब से, पीस के हिसाब से रहता है ये। ठीक है सर। अच्छा, अभी लास्ट में एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने जैसे अभी बंसल जी ने बोला था स्टार्टिंग में भी कि सिर्फ ये सैनिटरी जो पाउच है ये सिर्फ आज वीडियो इसकी है। अगली वीडियो में सर की एक दूसरी फैक्ट्री है भवाना के अंदर जहाँ पे चाय पत्ती के पाउच और भवाना फैक्ट्री में शूट करेंगे। अभी मैं बैठा हूँ पीरागढ़ी वाली जो इनका यूनिट है उसमें मैं बैठा हूँ। डिटेल सारा सब कुछ आपको मिली जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी दमदार यानी कि बंसल जैसे किसी दमदार मैन्युफैक्चरर के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।